एंड देन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसा रहा आपका ब्रेक? क्या आप लोग ने अच्छा खासा खाया पिया ब्रेक में, आराम किया? ओके, इनके मजे हैं लाइव वालों के यार, बड़ा बड़ा ब्रेक मिलता है मस्त मजे करने के लिए। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम द बुक। लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाओ। आई थिंक सन लिमिटेड करके होगा ये रहा। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को और एक चीज बता, देखो बुक कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है ना आप लोगों के लिए, वो आपको यहां से पता चलेगा। ये देखो, दिख रहा है आपको ये? अब मैंने जो भी चीज आप लोगों को समझाई है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न जो मैंने आपको समझाया है, वो सब देखो इधर कितना स्मार्टली लिखा भी है, फॉर्मूला में भी डाला है, टेबुलरली भी प्रेजेंट किया है, सब चीज आप लोगों के पास यहाँ पे है, और उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। रिस्क क्या है, कैसे कंप्यूट करना है, क्या स्टेप्स है स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, उसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, ताकि कभी आपको मेरे बिना रिवाइज करना हो तो मेरा ये बुक आपके साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। राइट, सो दैट इज हाउ द बुक हैज बीन डिजाइन गाइज। राइट, चलो अब ऑन दैट नोट वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। प्लीज ओपन करेंगे आप लोग सब अपनी बुक में। क्वेश्चन का नाम है सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड, सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड। आइए, ओके। इन द वेरियस कंडीशंस लाइकली रिटर्न्स आर एज फॉलोज, हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, स्टैग्नेशन, रिसेशन। सुनो ना, प्रोबेबिलिटी दिया है, मतलब ये कौन सा रिटर्न है। सुनो ना, प्रोबेबिलिटी दिया है मतलब ये कौन सा रिटर्न है। फिल इन द ब्लैंक्स, देखते हैं इन लोगों को कितना क्या समझ में आया। संकेत साळुंके सर, कॉल आया आपको। ए भाऊ, तुम्ही स्वतः सा बघा रे भाऊ, कॉल आला कि नाही आला, आम्ही बघणार ते। वंशिका, ए मुझे एक बात बताओ तो, ये क्या रिटर्न हुआ? प्रोबेबिलिटी वर्ड आया तो आपको समझ जाने का, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ। चलो यार, ये संकेत दिया, परत आला कॉल हो का? वो घर का, वो घंटी है रे, फोन नहीं है। चलो सो अब यहां पे चार इकोनॉमिक कंडीशन है और प्रोबेबिलिटी दिया है, सन लिमिटेड रिटर्न दिया है। कैलक्यूलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक ऑफ सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड। तो ऐसा पहला क्वेश्चन लिया है कि सारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे। अब करें स्टार्ट, मुझे करना चाहिए ये सम या तुमको करना चाहिए? हाँ, तुमको अच्छा लग गया कि ये सम मैं करूं? चलो फर्स्ट सम इसलिए करके कर लेता हूं यार, बाकी आइडियली दिस सम शुड बी सॉल्व बाय यू। आओ फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो फ्यूचर का है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैसे कैलकुलेट होता है? एक्स बार इज इक्वल टू, याद करो, समेशन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी। वो बैंक मैनेजर आया था, बोला था सर गुड हुआ इकोनॉमी, बैड हुआ इकोनॉमी, मीडियम हुआ इकोनॉमी, क्या रिटर्न, उसका क्या प्रोबेबिलिटी। जाओ, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, डन। ठीक है सर, फॉर्मूला से एक बार लिख लेते हैं, फिर वैरियंस भी कैलकुलेट करना होगा अपने को। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन भी, तो सब फॉर्मूला पर लोग ने लिख दिया, तो क्या एग्जामिनर को भी अच्छा पढ़े हुए, एग्जामिनर को भी अच्छा पढ़े हुए, उसको भी दिखेगी हाँ भाई बंदे को फॉर्मूला आता है। फॉर्मूलास कभी भी पहले लिख लेने का, अभी अपने को भी सम सॉल्व करना है तो खाली फॉर्मूला को उठा के डालने का है करके। राइट,
चलो बनाएंगे अपन लोग नेक्स्ट पेज पे। सो पहला क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन। बोलो हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, स्टैग्नेशन, रिसेशन। फिर देखो क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, लिख दो प्रोबेबिलिटी, चलेगा। 0.3, 0.4, 0.2, 0.1। फिर रिटर्न दिया है। अब सुनो, अपन लोग एक्स लिमिटेड या तो सन का या मून का कर सकते हैं, तो फिलहाल अपन लोग सन लिमिटेड का कर रहे हैं। ऊपर मैंने हेडिंग भी दिया हुआ है, तो वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस फॉर सन लिमिटेड। बोलो क्या आएगा। रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न 15, 13, 9, 6। ओके, फिर पहले सब अपने हथियारों को रेडी कर लो यार। अब देखो, रिटर्न इज नथिंग बट एक्स, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट पी। अपना सबसे पहला काम होता है x इंटू पी से, करेक्ट, x बार फाइंड आउट कर ले। सो इधर अपने को कभी भी x बार फाइंड कर लेने का। x बार इज इक्वल टू, कैसे करोगे x बार कैलकुलेट, 0.3 इंटू 15 प्लस 0.4 इंटू 13 प्लस 0.2 इंटू 9 0.1 इंटू 6, सब मिला के कितना हो जाता है, बोलो बोलो, टेल टेल। बोलो, तुम लोग ने अलग से इसका कॉलम भी बनाया है, दो मैं भी बना देता हूँ, खुश शांति। नहीं चलो ला अभी, ठीक है ना। 4.5 कैसे आई है, 0.3 इंटू 15, देखो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 5.2, 1.8, 0.6। अब एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, स्क्वायर बोलो कितना आता है, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो एक्स है हमारा 15, एक्स बार है हमारा, ये कितना है एक्स बार, वो तो बोला ही नहीं तुम लोग ने। अच्छा तुम लोग ने बोला 12.1, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 15 माइनस 12.1, का स्क्वायर, हेलो का स्क्वायर 8.41। तो इधर आ जाएगा 8.41। ओके 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 नेक्स्ट 13 माइनस 12.1 स्क्वायर, पॉइंट 8.1। नेक्स्ट बोलते जाओ ना तुम लोग। अच्छा ये लोग अभी अपनी धुन में है, कोई भाव नहीं दे रहा है मेरे को। ठीक है देख लेगा, तुम लोगों को भी देख लूंगा। अब तुम लोग आ गया तो तुम लोग मुझे भाव नहीं दे रहे,
सही है, 9.61 एंड 37.21। अब सुनो चुपचाप इधर देखो, x माइनस एक्स बार स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी है, बस इसको मल्टीप्लाई करके कर लो कैलकुलेट x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। यस डिंपल कड़वानी, तू कहां से आ गई रे? पहला लेक्चर है तेरा, अभी तक तो दिखी नहीं। डिंपल कड़वानी, वेर आर यू फ्रॉम? खुद आने पर भूल जाते हैं मतलब? अच्छा, दुनिया का यही दस्तूर है, खुद पे आ जाने पर सब भूल जाते हैं। हाँ, आज तुम लोग ने दिखा दिया है तुम्हारा असली रंग, जिसने तुमको सिखाया उसी के साथ तुम अब, मतलब तुम लोग सीए बनने के बाद तो भूल ही जाओगे यार मेरे को, तुमको लगेगा अरे ये भी सीए मैं भी सीए। चल बेटा, ठीक है ठीक है, ऐसा ना, ठीक है चलो। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू, अभी ये देखो ना, यहां से यहां मल्टीप्लाई करना है सीधा, यहां से यहां मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है यार, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 2.523। चलो थैंक यू भरत। ओ वर्षा पौधा आर इज ऑल्सो गिवन 0.324। एक बार फॉर्मूला समझ गया फिर तो ये छोटी बच्ची हो क्या, वैसा वाला सम बन गया, नहीं है ना, क्या बोलते हो? बस चलो अब सुनो, मेरे पास समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी आ गया है। ये देखो इधर, ये देखा क्या, ये सबसे मेन कैलकुलेशन यही है ना, पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का समेशन कर लिया मैंने, तो मुझे कितना आया, therefore variance is equal to, करो इसका टोटल, ये variance है भाई, कितना आ रहा है बोलो, variance is equal to 8.49। तो वराइंस इज इक्वल टू 8.49 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ 8.49 विच इज 2.914। समझियो एवरीबॉडी, इधर तक किसी को कोई भी डाउट? फॉर्मूलाज खुद से आ रहा है, लॉजिकली सब चीज कर रहे हैं अपन लोग। 2.913914 दैट्स एब्सोल्युटली ओके गाइस, छुट्टा माफ, इधर उधर पॉइंट का डिफरेंस कोई टेंशन की बात नहीं है। डन, वी मे फॉरगॉट टू डू मून लिमिटेड इन एग्जाम, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, वाई विल यू फॉरगेट, बट एनीवेज, now if you forget
यू विल नॉट बिकॉज आई विल गिव दैट टू यू एज होमवर्क. लिसन, मून लिमिटेड आपको खुद से ट्राई करना है घर पे, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो मेरा भी उसके ऊपर ज्यादा टाइम डालना कोई मतलब नहीं है. एंड क्वेश्चन नंबर टू भी आपको होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर वन का मून लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर टू पूरा का पूरा होमवर्क. हाउ मच डेसिमल पॉइंट्स 3 to 4? हाउ मच डेसिमल पॉइंट्स 3 to 4? चलो आगे बढ़ेंगे. डन गाइस, हाँ यस ओके वंशिका. चल नाउ, अब ये बेस के साथ, ये जो तुम लोग का बेस बना है ना, बहुत अच्छा बेस बना है. अब मेरे को इस बेस के ऊपर अपना बिल्डिंग खड़ा करना है, ठीक है, जहां पे पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विल बी बेस्ड. बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बेस अच्छी तरह से सेट हो जाए. क्या आप लोग सब लोगों को क्लियर है एकदम सिस्टमैटिकली जो भी कराया अभी तक? लाउड एंड क्लियर? क्लियर, डन, ओके. अब यहां पे मैंने जो भी किया ना, वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का किया. सन लिमिटेड में इन्वेस्ट करना है तो इंडिविजुअली उसका रिस्क और रिटर्न, मून लिमिटेड में इन्वेस्ट करना है तो इंडिविजुअली उसका रिस्क और रिटर्न. समझो, HDFC में इन्वेस्ट करना है तो इंडिविजुअली उसका रिस्क एंड रिटर्न. बट क्या रियल लाइफ में खाली एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, खाली एक ही कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? बताओ, द आंसर इज नो. कहना है इससे वहां पे तो पोर्टफोलियो बनता है, बट जब तक इंडिविजुअली चीजें नहीं समझेंगे, पोर्टफोलियो कैसे बन पाएगा, पोर्टफोलियो कैसे समझ पाएंगे? एंड दैट इज वेयर नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द सेम थिंग एट अ पोर्टफोलियो लेवल. तो इंडिविजुअल लेवल पे रिटर्न कैलकुलेट करना आ गया सर, इंडिविजुअल लेवल पे रिस्क कैलकुलेट करना आ गया सर. अब मैं आपको बताऊंगा पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है, जो बहुत इजी है, डोंट वरी. सो अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क एट पोर्टफोलियो लेवल, एट पोर्टफोलियो लेवल, समझ में आया आपको? चलो अब आओ स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट. सो अब ऑब्वियसली रियल लाइफ में अपन लोग बनाते हैं एक पोर्टफोलियो, और जब इस पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो लेवल रिस्क एंड रिटर्न, पोर्टफोलियो लेवल रिस्क एंड रिटर्न. सो अब यहां पे अपन लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? पोर्टफोलियो का रिस्क. एंड व्हाट डज दिस सिग्निफाई? मोर देन वन सिक्योरिटी. More than one securities, ठीक है. चलो स्टार्ट. अब सुनो, एज यूजुअल एक एग्जाम्पल लूंगा और समझाऊंगा,
चलो तुम लोग मुझे कोई भी दो अच्छे टॉप शेयर्स का नाम बताओ, चलो कोई भी शेयर्स का नाम बताओ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। चलो ये बाय द वे सी मुश्किल है मुझे तुम लोग के बैच के लिए तो, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, बट यूजुअली है ना हर बैच में मैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करता हूँ डेरिवेटिव्स का और उसका। आई डाउट तुम लोग के साथ क्या कर पाऊंगा। पोर्टफोलियो रिटर्न, कोई भी दो शेयर बताओ। चलो अडानी ग्रीन, रिलायंस, SBI, HDFC। HDFC तो बेचारा बहुत पिटा हुआ है यार, सच्ची बोलता हूँ बहुत पिटा हुआ है बेचारे की हालत इतनी खराब है ना। ICICI, एवेन्यू सुपर मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट इज डीमार्ट। MRF टायर, सबसे महंगा शेयर इंडिया का, इस बैच में भी करो, करेंगे देखते हैं, ट्राई करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग तुम लोगों को है इंटरेस्ट तो करेंगे, जरूर करेंगे। पेज इंडस्ट्रीज, वेरी नाइस, सेल, क्या बात है। चलो अपन ऐसी कंपनीज लेते हैं विच आर हाइएस्ट विद मार्केट कैपिटलाइजेशन इन टूडेज इंडिया सिनारियो। तो अपना एग्जाम्पल में समझो, SK संकल्प के पास आया ₹1 लाख। मिस्टर संकल्प के पास आया ₹1 लाख। संकल्प ने क्या किया, थोड़ा पैसा रिलायंस में डाला, थोड़ा पैसा TCS में डाला। ध्यान से सुनना, रिलायंस में उसने डाला ₹40,000, TCS में संकल्प ने डाला ₹60,000। ठीक है, ठीक है, मैं ट्रेडिंग करूंगा, पब्लिक ने बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है, मैं पक्का ट्रेडिंग करूंगा, यूट्यूब लाइव पे ट्रेडिंग करूंगा, पूरे इंडिया को अपन लोग दिखा देंगे कि ट्रेडिंग करके कैसे पैसा कमाते हैं। और देखना, मैं तुम लोग जो बोलोगे वैसा ही ट्रेडिंग करूंगा, फिर भी अपन लोग पैसा कमाएंगे, देखना। वेट एंड वॉच नाउ, जब डेरिवेटिव्स करेंगे तब की बात है, फिलहाल इधर आ जाओ। तो रिलायंस 40,000, TCS ₹60,000। फोकस नाउ, फोकस एंड लुक हियर। ये मेरा पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने, ₹40,000 इन्वेस्टेड, ₹60,000 इन्वेस्टेड। अब सुनो, रिलायंस का रिटर्न, कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस जो डिविडेंड मिला है सब मिला के रिलायंस का रिटर्न है 18%। इसको एक्स बार बोलता हूं मैं, इसको एक्स बार, इसको एक्स लेते हैं अपन, तो ये एक्स बार हुआ और ये वाई, ठीक है ना। और TCS का रिटर्न आया फॉर एग्जाम्पल 15%। TCS का रिटर्न आया 15%। यस, मुझे बताओ, मुझे बताओ मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है। मेरे पास 1 लाख रुपया था, उसमें से 40,000 आई इन्वेस्टेड इन RIL, 60,000 आई इन्वेस्टेड इन TCS। RIL गेव मी अ रिटर्न ऑफ 18%, TCS गेव अ रिटर्न ऑफ 15%। टेल मी माई पोर्टफोलियो रिटर्न लॉजिकली, लॉजिकली। कहो, वेरी गुड, यस, अदर्स, यस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, अदर्स। देखो सर, रिलायंस ने कितना रिटर्न दिया सर, 40,000 रुपए पे 18%, मतलब 7,200, बराबर है। अच्छा, TCS ने कितना रिटर्न दिया सर, 15%, मतलब 60,000 रुपये, 15%, 9,000, बराबर है सर। सो इन शॉर्ट कैन आई से 16,200 डिवाइड बाय, मतलब देखो 16,200 का मेरे को रिटर्न मिला, हेलो 16,200 का मेरे को रिटर्न मिला, बट ये रिटर्न के लिए मैंने कितना इन्वेस्ट किया था पैसा, 1 लाख रुपया, मतलब लॉजिकली 16.2% का मेरे को रिटर्न मिला, 16.2% का रिटर्न मिला, बोलो हाँ कि ना एवरीबॉडी। अभिजीत दा, दादा इनो चौल बे, 16.5, नो 16.2, इनो चौल बे दादा, समझ में आया सब लोग को, एवरीवन राइट। इसके जगह पे क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मेरे पास 18% का रिटर्न आया बट दैट रिप्रेजेंटेड
40% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, दैट रिप्रेजेंटेड 40% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, प्लस 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 मुझे 15% का रिटर्न आया, बट दैट रिप्रेजेंटेड 60% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, दैट रिप्रेजेंटेड 60% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट. कैन आई से 18% का 40%, 15% का 60%, दोनों मिला के 16.2 ही तो हुआ यार. समझ रहे हैं क्या आप लोग? कितने लोगों ने ये मेथड सीखा, कितने लोगों ने ये मेथड सीखा? दादा इनो चौलवे अबे खोपड़ी समझे क्या? एवरीबॉडी क्लियर? फर्स्ट मेथड से किया, सेकंड मेथड से किया, कोई भी मेथड से किया, क्या फर्क पड़ता है? आंसर सेम ही आएगा. मेथड टू से किया, डन. अभिजीत दा ने क्या किया पता है? 18 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, 16.5. ऐसा नहीं है ना, 18% का रिटर्न तो खाली आपको 40% इन्वेस्टमेंट के लिए मिला है दादा, है कि नहीं? समझे दादा लॉजिक? नितिन ने फर्स्ट मेथड से किया है, कोई बात नहीं नितिन, 16,200 ऐसे कर या ऐसे कर. अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देता हूं. सो नेक्स्ट टाइम मैं क्या बोलूंगा कि इतना सारा, अभी समझो तीन सिक्योरिटीज हुआ तो मैं हर बार इंडिविजुअली नहीं कर पाऊंगा. सो व्हाट आई विल डू इज देयरफॉर मैं लिखूंगा पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न विच इज पी आर इज इक्वल टू वेट ऑफ, देखो ना वेट दिया मैंने रिलायंस को कितना, 40%. तो वेट ऑफ रिलायंस अज्यूम करते हैं वो ए है या वो एक्स है, मल्टीप्लाई बाय, या ए ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ ए. रिटर्न ऑफ ए इज नथिंग बट ए बार प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ बी. जब इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो आई विल गेट पोर्टफोलियो रिटर्न, आई विल गेट पोर्टफोलियो रिटर्न. समझ में आया? तो वेट्स इज इक्वल टू क्या, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट. इंडिविजुअल था उसका 40,000 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट 1,00,000, तो 40% का वेट बना. बस ये 40% का ही वेट यहाँ पे बन रहा है. हे समझ गए एवरीबॉडी? डन 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 डन. ठीक है, याद रखना ये ए बार बी बार क्या है, दिस इज योर इंडिविजुअल रिटर्न. राइट, सो ए बार बी बार क्या हुआ, ये सब एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न जो भी केस होगा. प्लीज राइट इट डाउन, प्रैक्टिकली मेक्स इट वेरी इजी टू रिमेंबर. एब्सोल्युटली
रिया जी कहाँ चली गई थी आप? सो पोर्टफोलियो रिटर्न, अब मुझे पता है कैसे कैलकुलेट करना है। मेरा जो पोर्टफोलियो है मैं देखूंगा कि इंडिविजुअली कितना क्या वेट है सबका और कितना क्या रिटर्न आ रहा है इंडिविजुअली, बस उस हिसाब से मैं मेरा फॉर्मूला बना चुका हूँ। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीवन बोलो बोलो चल चल। सो इसी के साथ पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला भी अपन लोग ने डिराइव कर दिया है। क्या बात क्या बात क्या बात। और अब आ रहे अपन लोग सबसे खतरनाक वाले एडजस्टमेंट के ऊपर, विच इज रिस्क, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो के ऊपर। वो भी लॉजिकली करेंगे, आपको टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है? अब इसके अंदर कितने हाँ भी पोर्टफोलियो में कितने भी हो, कितने भी मेरे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे जब मैं पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूं तो इंडिविजुअली कितने भी हो तो वेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बार प्लस वेट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई बार प्लस वेट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एन बार, जितने भी हो सबको आप ऐसे कर सकते हो। याद रखना दिस इज योर एवरेज स्लैश एक्सपेक्टेड रिटर्न। बच्चा है, समझे कि नहीं? डन। अब आ रहे अपन लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच विल बी पोर्टफोलियो रिस्क, विच विल बी पोर्टफोलियो रिस्क। करेंगे स्टार्ट? कम ऑन गाइस। यस चलो सेम अच्छा रिस्क क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, एक होता है वराइंस। वराइंस क्यों कैलकुलेट करते हैं? स्क्वायर वाला, क्योंकि मैथमेटिकली वरना जीरो हो जाएगा, बट इवेंचुअली चाहिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है रूट वाला, तो अपने को इवेंचुअली चाहिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन। सो पोर्टफोलियो रिस्क इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ऑफ पोर्टफोलियो करेंगे स्टार्ट। आओ वापस से सेम एग्जांपल लूं, चलेगा? अपना एक पोर्टफोलियो बनाया अपन दोनों का, आओ बनाते। चल आओ, ठीक है? लॉजिक लॉजिक क्लियर रखना है। सपोज मैंने इन्वेस्ट किया इंफोसिस में ए, ठीक है, और दूसरा मैंने इन्वेस्ट किया ONGC में बी। आपको पता है क्या ये दोनों कंपनी के नाम सुने हुए आपने? तो ही मैं ये एग्जांपल लूँ ना, वरना फिर आपको समझेगा नहीं तो क्या फायदा। आपने ये दोनों कंपनी के नाम सुने हैं? इंफोसिस नारायण मूर्ति, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। सुने हैं सर? सुने क्या करते हैं ये लोग? इंफोसिस क्या करता है? एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज है बॉस। वो इतने सारे जो आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स दिखते हैं ना, वो बनाने वाला इंफोसिस है। कितने ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको दिख रही है उनके सॉफ्टवेयर ये लोग बनाते हैं यहाँ पे इंडिया में और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। सो दे आर व्हाट? दे आर एक्सपोर्टर्स ऑफ सर्विसेज। बराबर है? ठीक। ONGC क्या करता है? ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल ऑयल रिफाइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। क्यों लिखवा रहा हूं बताऊंगा। नाइस 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 वेरी नाइस। चलो आओ अब मेरे एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं मैं। सपोज मैंने इन्वेस्ट किया इंफोसिस में 40,000 रुपीज, मैंने इन्वेस्ट किया ONGC में 60,000 रुपीज। ओके डन। अब
कितना वेट्स हुआ ये, वेट्स दो 40% 60%, अज्यूम कर रहे हैं अपन लोग सेम 1 लाख रुपया था, 40% यहां पे 60% यहां पे। अब सुनना ध्यान से, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी दिया हुआ है। इंडिविजुअल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी तो अपने को कैलकुलेट करना आता है ना, अभी तो सीखा था। अरे गाइस, इंडिविजुअल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी तो कैलकुलेट करना आता है ना अपने को बेटा। कैसे कैलकुलेट करता है इंडिविजुअल रिस्क? करेक्ट, इंडिविजुअल रिस्क कैलकुलेट करना तो आता है अपने को, x माइनस x बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, उसका रूट। तो हम लोग ने क्या किया, इधर इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क कैलकुलेट कर लिया। तो कितना आया अपने को, इंफोसिस का आया 8% एंड ONGC का आया 12% इंडिविजुअल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, ये हम लोग को आ गया। ठीक है, एनी डाउट्स एनीबॉडी टिल योर? नो सर। अब मुझे किसी ने बोला कि इसका रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, संकल्प के पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करके बताओ, तो क्या वो इजीली कर सकते हो? द आंसर इज यस। आप बोलोगे सर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करोगे, 0.4 इंटू 8 प्लस 0.6 इंटू 12 कितना हो जाएगा, से 3.2, 7.2, 10.4। वेल, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ संकल्प इज 10.4। द आंसर इज नो। क्या हुआ अब समझना, एक महान आदमी था मिस्टर हैरी मार्कोविच, द विनर ऑफ नोबेल प्राइज अवार्ड, नोबेल प्राइज से सम्मानित पुरस्कृत मिस्टर हैरी मार्कोविच ने ऑब्जर्व किया कि ये जो रिस्क रिटर्न का गेम चल रहा है अभी तक तो सब ठीक है, बट ये जो रिस्क है ना, रिस्क जो पोर्टफोलियो का रिस्क है, दैट विल नॉट बी डायरेक्टली कनेक्ट कैलकुलेटेड लाइक दिस, बिकॉज इसमें एक इंटरनल जॉइंट रिस्क भी है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं बताता हूं, एक सेकेंड। मार्कोविच बोलता है कि बॉस यहां पे जब दो सिक्योरिटीज, तीन, तीस, जितनी भी सिक्योरिटीज है, जब उनका अपन लोग रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं ना एट पोर्टफोलियो लेवल, तो उनका इंडिविजुअली एक जॉइंट रिस्क भी होता है। आप पूछोगे क्या होता है सर ये जॉइंट रिस्क, बताओ सर क्या होता है ये जॉइंट रिस्क, आई विल टेल यू नाउ। ये जो हमारा इंफोसिस है, कैन आई से ये एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज है, तो इसको चाहिए कि इसको तो डॉलर इनफ्लो होने वाला है, बराबर है, तो इसको चाहिए कि $1 = 100 rupees हो जाए। भाई जितना डॉलर का भाव बढ़ेगा उतना इंफोसिस के लिए अच्छा होगा, बट सामने अगर तुम लोग ONGC की बात करते हो तो ONGC तो उल्टा है, ONGC तो बोलेगा कि भाई हमारा तो, हम तो ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे को तो डॉलर आउटफ्लो होने वाला है, तो हमारे को तो $1 = 70 चाहिए। तो ये इन दोनों का इंटरनल रिस्क है जिसका इंपैक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर आएगा, समझ रहे हो, दैट जॉइंट रिस्क, दैट मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट रिस्क इज कॉल्ड एज कोवरायंस, वरायंस ऑफ इंफोसिस एट इंडिविजुअल लेवल, वरायंस ऑफ ONGC एट इंडिविजुअल लेवल, बट टूगेदर वॉट इज देयर इंटरनल रिस्क, जॉइंट रिस्क इज कॉल्ड एज कोवरायंस। तो मार्कोविच बोलता है दैट जब आप रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करोगे, सर इज इट कॉल्ड करेंसी रिस्क, द आंसर इज नो। ये तो करेंसी रिस्क तो एक पार्ट हुआ, अब ऐसे ही इंफोसिस और ONGC के बहुत सारी चीजें जो कॉमन भी है, जो डिफरेंट भी है, राइट, सो देयरफॉर दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट रिस्क, ठीक है ना, ओवरऑल रिस्क। ये तो मैंने खाली करेंसी का एक एग्जांपल लिया, वैसे इनके और भी तो चीजें हैं, वैसा से फॉर एग्जांपल कल उठ के अगर वॉर चालू हो गया तो ONGC का जो शेयर है वो प्राइस बढ़ जाएगा, वॉर हो गया तो इंफोसिस का शेयर प्राइस कम हो जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट रिस्क दैट दे हैव, उन दोनों का भी जॉइंट रिस्क।
सो ये जो जॉइंट रिस्क है ना, दैट इज कॉल्ड एज कोवरायंस. बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज कोवरायंस, विच शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो. तो अब ध्यान से 2 मिनट सिर्फ सुनते रहना अभी मेरी बात को. रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वरायंस का रूट. भाई पहले अपन लोग ये कैलकुलेट करते हैं, फिर ये कैलकुलेट करते हैं, अपने आदत ही है ये, अपने को पता ही है. अब यहां पे से फॉर एग्जांपल पहले मेरे को वरायंस कैलकुलेट करना है, तो यूजुअल फॉर्मूला क्या है अपना, 0.4 × 8. 0.4 क्या है, वेट है. वेट तो ले फॉर एग्जांपल वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, रिस्क ऑफ ए, बराबर है. बट मैं कभी भी रिस्क स्क्वायर में कैलकुलेट करता हूं, तो यहां पे भी स्क्वायर कर दूंगा, यहां पे भी स्क्वायर कर दूंगा. समझ में आया. प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ बी वराइंस ऑफ इंटू वराइंस ऑफ बी. तुम लोग समझे क्या, यहां पे रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है. आइडियली तो रिस्क ऐसे कैलकुलेट होता है, तो 0.4 × 0.8 प्लस 0.6 × 12 जो तुमने बोला था वही किया, खाली इधर स्क्वायर कर देना है बस. क्यों स्क्वायर कर देना है, क्योंकि मेरा पहले वराइंस आएगा और फिर मैं उसको रूट में डालूंगा. ये हम लोग करते आए हैं, फेयर इनफ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ध्यान में रखना है अपने को यहां पे, दैट अबव फॉर्मूला इज इनकम्प्लीट. सर वाई वराइंस एंड नॉट स्टैंडर्ड डिविएशन? अरे रुको जरा, सबर करो. मैंने बोला क्या, लेक्चर खत्म. मैंने बोला क्या, फॉर्मूला खत्म. रुको, सब आएगा, सब तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा जब मैं बोलूंगा ना आस्क योर डाउट्स नाउ, तब पूछना. अभी रुक जाओ. अब सुनो, ये मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें ए है और बी है, बेसिकली इंफोसिस है और ONGC है. इंफोसिस का वेट ले लिया और उसका स्क्वायर कर दिया वराइंस का. ONGC का वेट का स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर कर दिया. क्यों? क्योंकि मेरे को यहां पे रिस्क स्क्वायर में चाहिए. बट अबव फॉर्मूला इज इनकम्प्लीट. वाई अबव फॉर्मूला इज गाइज इनकम्प्लीट. यू हैव टू टेल मी वाई. वाई एम आई सेइंग दैट दिस फॉर्मूला इज इनकम्प्लीट? बोलो बोलो, टेल टेल. क्योंकि इसमें अपन लोग ने जॉइंट रिस्क कंसिडर नहीं किया है. करेक्ट योगिता, कंबाइंड रिस्क, जॉइंट रिस्क. सो देयरफॉर इसको और थोड़ा इनकम्प्लीट. व्हाई? बिकॉज वी शुड ऑल्सो टेक और जॉइंट रिस्क. और ये पता है जॉइंट रिस्क क्या होता है? दोनों का वराइंस इज जॉइंट रिस्क. दोनों का वराइंस इज जॉइंट रिस्क. सो 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 अब मेरे को दोनों का जॉइंट रिस्क भी ऐड करना पड़ेगा. ऐड करना पड़ेगा, विच इज वॉट, वराइंस ऑफ ए या इंफोसिस अपने एग्जाम्पल में, वराइंस ऑफ बी ONGC अपने एग्जाम्पल में, टुगेदर इज कॉल्ड एज, टुगेदर इज कॉल्ड एज, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज कॉल्ड एज कोवराइंस. तुम लोग की आदत होगी डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेने की, बट वो चीज कैसे आ रही है, क्यों वो वर्ड कोवेरियंस आ रहा है, क्यों स्टैंडर्ड डिविएशन में कोवेरियंस वर्ड लिख रहे हैं,
प्लीज वो सब समझना जरूरी है, तो ही चीजें ऑटोमेटिकली लॉजिकली याद रहेगी। क्लियर एवरीबॉडी? अब इसको फॉर्मूला में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो भी बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, डोंट वरी। बट ये समझ में आया अपने को? तो कोई भी दो सिक्योरिटीज का रिस्क टुगेदर आया, इट इज कॉल्ड एज कोवरेंस, इट इज कॉल्ड एज कोवरेंस। बच्चा एवरीबॉडी, डन। तो मेरा अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा पता है आपको? ये देखो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, वरायंस इज इक्वल टू वेट ऑफ ए स्क्वायर, वरायंस ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर, वरायंस ऑफ बी। ये तो अपन लोग कर ही रहे थे पहले भी, अपन लोग ने किया था, तुम लोग भी ये तो कर ही रहे थे। बट अब आ गया है कोवरायंस ऑफ ए टू बी प्लस कोवरायंस ऑफ बी टू ए, इसको कंबाइन करके अपन लोग लिख देंगे टू कोवरायंस ए बी। क्यों ऐसा टू कोवरायंस ए बी लिखा? क्योंकि दो है, एक कोवरायंस फ्रॉम ए टू बी है, एक कोवरायंस फ्रॉम बी टू ए है, तो देयरफॉर ये कंबाइंड वे में लिख देंगे टू कोवरायंस ए बी। बट ओवरऑल इंपैक्ट कितना है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन ईच ऑफ देयर वेट्स, तो वेट ऑफ ए इनटू वेट ऑफ बी, एंड दैट इज वेयर आई विल गेट माय फाइनल आंसर दैट वरायंस ऑफ पोर्टफोलियो, जिसको प्यार से पोर्टफोलियो वरायंस भी बोलते हैं, विल बी वेट ऑफ ए वरायंस ऑफ ए, वेट ऑफ बी वरायंस ऑफ बी प्लस टू कोवरायंस ए बी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बी। ए समझ गए एवरीबॉडी? अब अपने को रिस्क चाहिए, ये तो वरायंस ऑफ पोर्टफोलियो हुआ, अपने को रिस्क चाहिए तो कैसे कैलकुलेट होगा? अच्छा इधर टू क्यों लिखा? टू ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, तो दो बार कोवरायंस आया ना, टू कोवरायंस ए बी, और दोनों का वेट से अपने को पता चलेगा ओवरऑल कितना कोवरायंस इंपैक्ट दे रहा है पोर्टफोलियो पे। अब इसको मेरे को कैलकुलेट करके बताना है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। बोलो क्या हो जाएगा? तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो विल बिकम, बोलो बोलो टेल टेल क्या? सो इट विल बिकम रूट ऑफ, ये एज इट इज फॉर्मूला बस रूट के फॉर्म में लिख लिया, एज इट इज फॉर्मूला रूट के फॉर्म में लिख लिया। समझ में आया? वाओ, विद दिस स्टैंडर्ड डिविएशन या रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला भी अपन डिराइव कर चुके हैं। गॉटचा एवरीबॉडी? ऑल योर्स प्लीज, ऑल योर्स। हाँ मुझे मालूम ही था। रितिका बोलती है सर वी कैन ऑल्सो रिमेंबर एज ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला। नो, डोंट डू दैट मिस्टेक। अगर रितिका वाली गलती करते हो जो कुछ लोग बोलते हैं, मैंने भी एक अपने बुक में भी लिखा है, बट इट इज नॉट दैट। सपोज मैं ए लेता हूं डब्ल्यू ए दिस ए, सपोज मैं बी लेता हूं डब्ल्यू बी दिस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से सुनना रितिका जी, आपके लिए कर रहा हूं मैं खास, ताकि आप अपनी गलतियां, ये गलती एग्जाम में ना करें। प्लस टू ए बी
अब जब मैं ए करूंगा ना तो आ जाएगा डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी, तो ये गड़बड़ है, ये यहां पे ये तो आ ही नहीं रहा है, ये तो है ही नहीं। सो देयर फॉर इट इज बेटर कि जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से करें अपन। क्लियर एवरीवन? चलो समझ में आ गई बातें आपको अच्छी तरह से एकदम। अच्छा अब तुम लोगों को जॉइंट रिस्क के कुछ एग्जांपल्स दूं, तुम लोग बोलोगे सर जॉइंट रिस्क के थोड़े एग्जांपल्स तो दो, आओ जॉइंट रिस्क के कुछ एग्जांपल्स देता हूं। ए सुनो ना, सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो? देखो इधर देखो, अपना एग्जाम्पल क्या था, ओरिजिनल इंफोसिस और दूसरा ONGC, ठीक है? सुनना ध्यान से, टुडे टुमारो, $1 = ₹80, टुमारो $1 = ₹90। हाँ मुझे बताओ किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा, टुडे से टुमारो पे आ गए अपन लोग, किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा? या इधर लिखता हूँ येस्टरडे और टुडे, किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा? बोलो 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 बोलो, कहना इससे इंफोसिस के लिए गुड, बराबर है इसका शेयर ऊपर, बट ONGC के लिए बैड, इसका शेयर नीचे, समझ रहे हैं आप लोग? तो कहना है इससे इससे अपने को क्या पता चल रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जम रही है या नहीं जम रही है, बोलो बोलो। ये इंफोसिस और ONGC तो सास बहू जैसी हालत दिख रही है, एक खुश तो दूसरी ना खुश, दूसरी खुश तो पहली ना खुश, कहीं ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोवरायंस, जब एक का अच्छा और दूसरे का बुरा हो। समझ में आया आपको एवरीवन? नहीं जम रही, इनवर्स नेगेटिव कोवरायंस, गॉट इट? तो इन दोनों का जॉइंट रिस्क क्या है, नेगेटिव है, इज अ नेगेटिव कोवरायंस। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सास बहू नेगेटिव कोवरेंस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा चलो दूसरा, अच्छा इसका मतलब बता दूँ, देखो ये नेगेटिव कनेक्शन मतलब नेगेटिव कनेक्शन मींस ऑपोजिट रिस्क प्रोफाइल, ऑपोजिट रिस्क प्रोफाइल मतलब एक अगर बड़ा तो दूसरा कम, दूसरा बहुत कम हुआ तो पहला बढ़ जाएगा, तो रिस्क प्रोफाइल मेरा ऑफसेट हो जाएगा, ऑपोजिट रिस्क प्रोफाइल, व्हेन वन गोज अप अदर गोज डाउन एंड वाइस वर्सा। अगर मैं इधर लिख दू $1 = 80 येस्टरडे, टुडे $1 = 65, तो क्या हो जाएगा? उल्टा, समझ गए ना? होने वाला, रहने वाला वो लोग का नेगेटिव प्रोफाइल ही है,
रहने वाला ये लोग दोनों का नेगेटिव कोवरायंस ही है, बात खत्म। चलो दूसरा लेते हैं, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। समझो मेरे पोर्टफोलियो में, समझो मेरे पोर्टफोलियो में HDFC बैंक है और एक्सिस बैंक है, ठीक है। अब याद करो मेरा फर्स्ट लेक्चर। सपोज आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, सपोज आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, बैंक के लिए गुड और बैड, बैंक के लिए गुड और बैड, याद है? लोग लोन लेना कम कर देंगे, लोन लेना कम कर देंगे तो बैंक का तो मेन बिजनेस ही है लोन देना, बट वही कम हो जाएगा तो बुरी बात है ये तो। हाँ दोनों के, ए यार ये चंद्रकांत बोल रहा है, गुड, नो इट इज बैड फॉर बोथ ऑफ देम। चंद्रकांत मेरा फर्स्ट लेक्चर में नहीं था क्या तू बेटा? तो बैंक HDFC बैंक के लिए भी बैड और एक्सिस बैंक के लिए भी बैड। इसके लिए भी हाई रिस्क, इसके लिए भी हाई रिस्क, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। सपोज इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो ये गुड हो जाएगा, तो इसके लिए भी लो रिस्क। अब दोनों है तो बैंक ही, इसके लिए भी अच्छा है, इसके लिए भी लो रिस्क हो जाएगा, इसके लिए भी लो रिस्क हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ पॉजिटिव कनेक्शन। क्या दिख रहा है आपको? ये पॉजिटिव कनेक्शन। चंद्रकांता समझा ना तेरे को? बोथ हैव सिमिलर रिस्क प्रोफाइल्स, आप आगे हम भी आगे, आप नीचे हम भी नीचे, बात खत्म। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोवर। बोथ हैव सिमिलर रिस्क प्रोफाइल्स, बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव रिस्क है, पॉजिटिव जिएंगे साथ, ये लोग दोनों में नेगेटिव कनेक्शन है। सर जीरो कनेक्शन वाला भी कोई होता है? हाँ होता है ना। सपोज आपका ऐसा पोर्टफोलियो है, से डीमार्ट और सुजलॉन, अब इन दोनों का, ये एक FMCG में है, ये एनर्जी और वो सब में है, विंड मिल एनर्जी में है, इन दोनों का एक दूसरे से क्या लेना देना है भाई? जीरो कनेक्शन, इन दोनों का कोई किस्मत कनेक्शन नहीं है। So, यहां पे आप लोग ने एग्जाम्पल याद रखा सास बहू का, नेगेटिव कोवरायंस। तो यहां पे आप एग्जाम्पल याद रखेंगे किसका? पति पत्नी का। ठीक है रख लो भाई, पॉजिटिव कोवरायंस, यहां पे कोई कनेक्शन ही नहीं है आपका और पढ़ाई का, जीरो कनेक्शन, जीरो कोवरायंस। आए बड़े एग्जाम्पल याद रखने वाले, चलो जल्दी। क्लियर? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आया संकेत। फिर ब्रेकअप हो जाते हैं तब नेगेटिव कोवरेंस, वाओ, फिर एक दूसरे को एकदम भूल जाओगे तो जीरो कोवरेंस। वेरी गुड। सो फ्रॉम अबव एग्जाम्पल्स
वी अंडरस्टैंड दैट इन अ पोर्टफोलियो डिफरेंट सिक्योरिटीज हैव जॉइंट रिस्क कॉल्ड एज कोवराइज कॉल्ड एज कोवराइज. गॉट इट गाइज? ध्यान रहेगा प्लस कोवरायंस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा तेरे पीछे. नेगेटिव कोवरायंस, जहां मैं तेरे से बात नहीं करती, ब्रेकअप. जीरो कोवरायंस, अब मैं तुझे भूल चुका हूं. फॉर्मूला भी याद रहेगा आपको सबको. समझो ना, अब अगर मेरे को इधर पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला लिखना है तो क्या फॉर्मूला होगा? पोर्टफोलियो रिस्क, हाँ, मतलब ये तो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, जैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन आया ये सब रूट में जाने वाला है, ये अपने को पता चल गया, रूट में जाने वाला है अपने को पता चल गया. वेट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ए लिखना, ए लिखते हैं, चलो अपन लोग ए लिख रहे हैं स्टार्टिंग से. वेट ऑफ ए स्क्वेयर वराइंस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वेयर प्लस टू कोवराइंस ए बी मल्टीप्लाई बाय, ध्यान रखने का, वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी, वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी. समझ में आई बात आपको? अगर दो से ज्यादा फॉर्मूला होगा तो क्या, ज्यादा कंपनी होगा तो क्या होगा? सब आएगा मेरे भाई, रुक जा. अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, सब एक साथ ही. तुझे क्या खाना खाना है क्या 10 दिन का एक साथ? धीरे धीरे आराम से सब चीज आएगी. इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट रिस्क ऑफ ए एंड बी. अब सुनो, मैं और एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, मजाक मजाक में और एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना. जॉइंट रिस्क ऑफ ए एंड बी क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? मैं बताऊं, रिस्क ऑफ ए प्लस रिस्क ऑफ बी बराबर. रिस्क ऑफ ए क्या होता है? एक्स माइनस, सॉरी, ए माइनस ए बार बराबर है बी, बी माइनस बी बार. वो तो अपन स्क्वायर इसके लिए करते थे क्योंकि अदरवाइज ए माइनस ए बार का समेशन जीरो हो जाएगा. बट अब क्या करना है पता है? ए माइनस ए बार रिस्क है, बी माइनस बी बार रिस्क है, इन सब का समेशन, द होल अपॉन एन, द होल अपॉन एन, द होल अपॉन एन. बेसिकली दिस विल बी कोवरायंस ऑफ ए बी. सो कोवरायंस ऑफ ए बी का भी फॉर्मूला आप लोगों के सामने आ चुका है. ए का रिस्क क्या है? सी, मैंने तुम लोगों को डे वन पे बताया था, रिस्क इज नथिंग बट डिविएशन फ्रॉम द रिटर्न. तुम लोग ध्यान नहीं देते हो मेरी छोटी छोटी बातों पे, हल्के में ले लेते हो मेरे को. बट देखो इधर लिखवा है ना, डिविएशन ऑफ एवरेज रिटर्न फ्रॉम इंडिविजुअल रिटर्न. रिस्क यही है,
रिस्क यही है, डिविएशन ऑफ एवरेज रिटर्न फ्रॉम स्टैंडर्ड रिटर्न, तो रिस्क यही है। ए का रिस्क यही है ए माइनस ए बार, बी का रिस्क यही है बी माइनस बी बार। स्क्वायर क्यों करते थे? क्योंकि ए माइनस ए बार का समेशन जीरो हो जाएगा, बट अब तो ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार मल्टीप्लाई करके समेशन करना है, तो स्क्वायर की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके समेशन कर दिया, मुझे मिल गया जॉइंट रिस्क, मुझे मिल गया जॉइंट रिस्क। ए समझ गुड एवरीबॉडी, बोलो बोलो, टेल टेल यार, क्या ये फॉर्मूला भी लॉजिकली याद रहेगा? अभी लॉजिक लॉजिक से याद रहेगा, बोलो सर। फॉर अ पोर्टफोलियो इट इज बेटर टू हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन और अ नेगेटिव, सब डिस्कस करेंगे, पहले कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, फिर लॉजिकली देखना पड़ेगा किसका क्या रिस्क एपेटाइट है एंड ऑल ऑफ दैट, सो वील कम टू दैट ऑल्सो। देखो अपन लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे, कोवरायंस ऑफ ए बी। व्हाट इज कोवरायंस ऑफ ए बी? रिस्क ऑफ ए एंड रिस्क ऑफ बी। कोई मुझे रिस्क ऑफ ए लिख के बताओ, खाली रिस्क ऑफ ए लिख के बताओ क्या है। अवंशिका चल बता, रिस्क ऑफ ए क्या होता है? कैन आई से किसी भी चीज का रिस्क इज नथिंग बट इट्स डिविएशन फ्रॉम इट्स एवरेज, ए माइनस ए बार। बी का रिस्क क्या है? डिविएशन फ्रॉम इट्स एवरेज बी माइनस बी बार। सही है, समेशन। सो बेसिकली तो चलिए लास्ट का सब पार्ट हटा देता हूं, बेसिकली कोवरायंस ए बी इज दिस कॉम्बिनेशन, कोवरायंस ए बी इज दिस कॉम्बिनेशन, ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार। बट ऑब्वियसली नंबर ऑफ एंटिटीज भी उसमें अपने को देखना पड़ेगा, प्लस इतने सारे इयर्स होंगे उसका अपन समेशन करेंगे, तो समेशन ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार अपॉन एन। कौन समझ में आया? वंशिका क्लियर हुआ तेरे को पॉइंट? ओ वंशिका जी, चल अब तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ गया फटाफट। तुम लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे इसका आंसर। सपोज कोवरायंस ऑफ ए बी, कोवरायंस मतलब जॉइंट रिस्क, फाइंड आउट करना है तुम्हारे को पास्ट के बेसिस पे विच इज एवरेज रिटर्न, एंड फ्यूचर के बेसिस पे विच इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फॉर्मूला कैसे आएगा बताओ फटाफट, कम ऑन एवरीवन बोलो। सो वी विल से कोवरायंस ए बी इज इक्वल टू, ये तो यही रहेगा ज्यों का त्यों, मेन मुझे फ्यूचर वाला चाहिए। वेरी गुड वर्षा, अगर यही मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया होगा तो क्या बोल रही वर्षा, एन हट जाएगा एन पी आ जाएगा मल्टीप्लाई में सर, सिंपल यार। तुम लोग यार बचपन से स्मार्ट हो गया, क्या सीन क्या है तुम लोग का यार, ये यहाँ पे तुम लोग मुझे सिखाने नहीं आए हो क्या? तुम लोग को तो सब आता है ऐसा लग रहा है यार, क्या स्कॉलर लोग है यार सच्ची। ए माइनस ए बार इंटू बी माइनस बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी, तीनों का मल्टीप्लाई करके समेशन करने का, मिल गया कोवरायंस ऑफ ए बी। वेरी नाइस रितिका जी, कोटे रामया भार्गवा, वेरी नाइस यार, ग्रेट 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 चैंपियन पीपल आई हैव इन क्लास।
एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? चलो ना, कैलक्यूलेट कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। मैं नहीं कैलकुलेट करने वाला हूं, पूरा का पूरा तुम लोग को ही कैलकुलेट करना है। 5 मिनट दूंगा मैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थ्री, चलो ये तुम लोग का एक्स है 3785, ये तुम लोग का वाई है 4963। Your time starts now. टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। आ देखे जरा किसमें कितना है किदाम। अनीशा बिरानी फ्रॉम इंदौर ने नाम रोशन कर दिया है इंदौर का पहले आंसर देके। बट क्या ये जवाब सही है, वो तो वक्त का तकाजा ही बताएगा। अनीशा जी, बाकी लोगों को देखते हैं आंसर देने दीजिए, फिर पता चलेगा। तो सबसे पहले अनीशा जी ने कैलकुलेट, देखो एक्स है अपने को x माइनस x बार चाहिए, तो पहले अनीशा जी ने कैलकुलेट किया होगा x बार। क्या मैं सही सोच रहा हूँ अनीशा जी? 8 + 5 13 + 7 23 / 4 कितना? 5.75। अब एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, समेशन बराबर है। बोलो कितना आता है? एक्स माइनस एक्स बार, एक कोई भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, एक्स है 3 - 5.75 - 2.75, वाई माइनस वाई बार
4 माइनस वाई बार है 5.5, 1.5 माइनस, दोनों मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, 2.75 इंटू 1.5 यार है सच, कितना होता है 4.125, बस ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, करते जाओ, कितना आता है देखो। अब इंडिविजुअली इसका समेशन जीरो हो जाएगा, इंडिविजुअली इसका समेशन जीरो हो जाएगा, बट ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना तो समेशन हो जाएगा 11.5, बट अपने को बोला है डिवाइड बाय एन, बराबर है। कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। तो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 11.5 एन फोर, कितना आता है 2.875। गॉट इट गाइस। अच्छा अब इधर से क्या पता चला आपको, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2.875, प्लस माइनस नहीं मतलब ये प्लस ही हुआ, समेशन 12.065 आ रहा है। वर्षा जी को कोई बताओ, या तो वो गलत है या मैं गलत हूं, प्लीज अनीशा जी बताइए वर्षा जी को। आई थिंक वर्षा जी अपनी राह से भटक गई है। चलो डन, वर्षा तेरा कुछ तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। सुनो, प्लस आया ये तुम लोग का, नाउ दिस रिप्रेजेंट्स, इसको भूल जाना है, प्लस रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव कोवेरियंस, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन, समझो आया कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू -20 या -2.12। इसको नहीं देखना है, खाली ये देखना है इसका मतलब नेगेटिव कोवेरियंस, मतलब ब्रेकअप वाला सीन, बराबर के नहीं। समझे? हाँ, दिस कोवेरियंस गिव्स अस अ डायरेक्शन, देयरफॉर कोवेरियंस अ मेजर ऑफ जॉइंट रिस्क शोज द डायरेक्शन बिटवीन टू सिक्योरिटीज, ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, प्लस माइनस जीरो। ठीक है गाइस, क्लियर? इधर तक किसी को कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हाँ डन 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 डन।
तो भाई इधर तक तो सब कुछ क्लियर हो गया है, बस अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारे को दिमाग में घुसा दूंगा ना, उसके बाद में मैं चैन से बैठ पाऊंगा, बिकॉज दैट विल बी द एंड ऑफ द सेशन, द लास्ट पॉइंट। देखो सुनो, कोवराइंस ने अपने को एक डायरेक्शन दे दिया है, एक डायरेक्शन दे दिया। क्या? या तो प्लस है, या तो माइनस है, या तो जीरो है। प्लस मतलब साथ में, माइनस मतलब ब्रेकअप, जीरो मतलब भूल चुके हो। अब डायरेक्शन तो मिल गया, बट मुझे चाहिए एग्जैक्ट कितना, यू कैन से एग्जैक्ट कितना ये लोग दोनों का रिलेशन है, वो अब देखना है अपने को। एंड दैट विल बी गिवन बाय द लास्ट फॉर्मूला ऑफ द डे, जिसका नाम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसका नाम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सुनो, कोवेरिएंस टेल्स अस द डायरेक्शन बिटवीन टू सिक्योरिटीज, हाउ इवर कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेल्स अस द एग्जैक्टनेस ऑफ द डायरेक्शन, एग्जैक्टनेस ऑफ द डायरेक्शन। देखो अगर तुम लोग ने नोट किया होगा, तो जब कोवराइंस के आगे का जो नंबर था ना, मैं उसको कट कर देता था, बिकॉज कोवराइंस डजेंट गिव यू दैट। ये देखो मैंने इसको कट कर दिया, बिकॉज कोवराइंस डजेंट गिव यू दैट। बट अब वो एग्जैक्टनेस फाइंड करने के लिए आई विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, विच इज नथिंग बट आर कोवेरिएंस ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये सब तुम्हारे को बताऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स। अभी सुनो, यहां से मुझे पता चल गया कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। अब ऐसा तुम लोग को तो क्या, आजकल जेंजी वाले लोग, तुम लोग को रिलेशनशिप के बारे में बहुत चीजें पता होती है, हमको तो इतना कुछ पता नहीं होता है। बट जब आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, जैसा आपने बोला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड कई बार बोलती है, यार तू मुझे मेरे जितना प्यार नहीं करता, मतलब मैं अगर तुझे एक्स प्यार करती हूं तो तू मुझे एक्स माइनस वाई प्यार करता है, राइट? या बॉयफ्रेंड कभी बोलता है, नहीं मैं तुझे, तू मुझे एक्स प्यार करती है, मैं तुझे 2x प्यार करता हूं। तो ये जो 2x, 0.5x, ये जो दिख रहा है ना, ये इन दोनों के कनेक्शन की बातें हैं, ये इन दोनों के कनेक्शन की बातें हैं। आओ अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। इधर देखो, कैन आई से, यहां पे ये देखो, इधर कोवराइंस आ गया है मेरा, कितना कोवराइंस आया है? बोलो बोलो, चल चल, 2.875। अरे देखो और बोलो यार, 2.875 का कोवेरिएंस आया, तो इधर मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 2.875 अपॉन, क्या बोला है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। क्या यहां पे आप लोग मेरे लिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए और बी कैलकुलेट कर सकते हो क्या? 2 मिनट में हो जाएगा, फटाफट करो, चलो जल्दी। देखो इधर, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेर कर लो, बराबर फटाफट आ जाएगा, बोलो बोलो क्या आएगा, माइनस 2.75 का स्क्वायर, फिर फटाफट बताओ ना। और ऐसे ही तो जो भी आता है डिवाइड बाय एन कर देंगे अपन, तो अपने को मिल जाएगा डिवाइड बाय एन करके रूट कर लेंगे, तो अपने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, फटाफट बताओ मुझे। एंड वाई माइनस वाई बार स्क्वायर करेंगे तो भी मुझे मिल जाएगा कितना, देखो
माइनस 1.5 स्क्वायर प्लस सेम जो भी आएगा डिवाइड बाय एन करके स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो टेल टेल। Everybody, please. क्या थ्री, अरे मुझे फाइनल आंसर बता रहे हो क्या बता रहे हो तो बताओ। ओके स्टैंडर्ड डी भार्गव, थैंक यू। 1.717 एंड 2.049। भार्गव टेल मी दिस, डज एवरीबॉडी अग्री विद भार्गव? हाँ सर, जो उसने लिखा है सही लिखा होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एज पर दीक्षा पवार इज एक्स इज इक्वल टू 1.95। ये दीक्षा का भाई इज 1.95। ये फाइनल आंसर दो यार, कोट्टई रामैया इज आल्सो सेइंग 1.95। भार्गवा माय फ्रेंड यू नीड टू चेक योर आंसर्स। चलो फटाफट फटाफट कैलकुलेट करके बताएंगे आप लोग। ओके ओके सो फाइनल कॉल आ चुका है मेरे पास, सब स्टूडेंट्स का सेम आंसर जो आ रहा है वो है 1.92, मेरे से देखने में गलती हो गई, एंड 2.29। अब देखना इधर 1.92 इनटू 2.29, तो देखो ये सॉल्व करो कितना आता है। कितना आ रहा है? ये आ रहा है प्लस 0.। ए बताओ ये फटाफट बताओ, प्लस 0.65। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट से पता चला कि प्लस 0.65 का कनेक्शन है, मतलब अगर ए 100 से बढ़ता है तो बी भी बढ़ेगा, ये कंफर्म है, पर कितना, 65 से, कैसे, 100 इंटू 0.65। समझ गए एवरीबॉडी? हो सकता है बी कल गिरे, बी कल गिरे, ए कल गिरे तो बी भी गिरेगा बाय 65, 100 इंटू 0.65 माइनस 100 इंटू 0.65 तो बी भी गिरेगा, पर कितने से, माइनस 65 से। ये है इन दोनों के बीच का जॉइंट रिस्क का कनेक्शन। अच्छा एवरीबॉडी, ठीक है, बस इसी में तीन वेरिएशन होते हैं। तो देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेल्स द एग्जैक्ट Tells the exact extent of direction. Of tells the exact extent
ऑफ डायरेक्शन। इसमें तीन वैरायटी होती है, लास्ट चीज बता रहा हूं आज के लेक्चर के लिए। एक होता है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, एक होता है जीरो कोरिलेशन। समझ में आ रही है बातें? तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा, सपोज ए एंड बी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो ए 100 से बढ़ेगा तो बी भी 100 से बढ़ेगा। जहां भी मैं जाती हूं मेरे पीछे पीछे चले आते हो, यही है वो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड। तो जिसने ये गाना बनाया होगा ना, उसने ये फॉर्मूला देखा होगा, फिर ये गाना गाया होगा। वैसे तुम लोग ने ये गाना सुना भी नहीं होगा क्योंकि ये पुराने जमाने वाला है, तुम तो जेन ज़ी लोग हो। एटलीस्ट वो वाला एड याद है क्या, यू एंड आई इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, वो वोडाफोन का कुत्ता होता है, जहां भी वो जाता है वो कुत्ता उसके पीछे आता है। दे आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, हम तुम्हारे हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड। सुना है, अच्छी बात है, गुड। समझो सी एंड डी, किसी ने बोला परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है, मतलब ए अगर 200 से गिरा तो बी 200 से बढ़ेगा, एंड जीरो कोरिलेशन, कोई कनेक्शन ही नहीं है। ई एन एफ हैव जीरो कोरिलेशन, ई 100, एफ 50, कल उठ के ई 100, एफ 25, इट कैन बी एनीथिंग, नो कोरिलेशन। बट इनमें ऐसा कोरिलेशन है तो ऐसे ही चलेगा। समझ रहे हो? ऐसे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड को बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब +1 हो, और जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 हो तो उसको बोलते हैं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड। समझ गए? आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया, बहुत हैवी हो गया तुम लोगों के लिए, बट अच्छा रहा, समझ में आया सब लॉजिकली। अब अगर मैं बोलूं, तुम समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूँ, हर एक फॉर्मूला लिख के बताओ, साथ साथ में करते हैं तो करेंगे गाइस, करेंगे साथ में करेंगे एवरीबॉडी। चलो देन लेट्स डू इट यार, लेट्स स्टार्ट। ओके लास्ट 10 मिनट्स लेफ्ट, लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट एंड विल बी डन। ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। ओके लाइट्स कैमरा रोलिंग, एक्शन। सबसे पहले हम लोग ने सीखा रिटर्न का फॉर्मूला। यार मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम लोग ये फॉर्मूला इधर लिखते जाओगे तो ही मुझे समझेगा कि हाँ तुम लोग को याद है कि नहीं। सबसे पहले मैंने देखा रिटर्न का फॉर्मूला। इनकम, दुनिया की कोई भी इनकम हो, दुनिया का कोई भी एसेट हो, दो ही तरह का रिटर्न लाएगा, एक रेगुलर और दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन। सो इनकम प्लस P1 माइनस P0 द होल अपॉन P0। क्या ये फॉर्मूला कभी लाइफ में भूलेंगे अपन? लाइफ में CA बनने के बाद भी नहीं। हो सकता है कभी कोई आपको जूनियर आर्टिकल आपको आके पूछे, बोलने का भाई पोर्टफोलियो फॉर्मूला तो एकदम पता है मुझे यार, एकदम टिप ऑफ द टंग है, इतना अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ यार,
क्या बोलते हो? नेक्स्ट। हाँ, क्रेडिट्स देना नहीं भूलना भैया, क्रेडिट्स देना नहीं भूलना। अभी ये जो मैं लिख रहा हूँ उसका एक मस्त फोटो ले लेने का है बॉस, और उससे भी अच्छा आइडिया दे रहा हूँ मैं। क्या ये सारा का सारा फॉर्मूला जो अभी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी चाहिए तो साथ में लिखो अपने नोटबुक में और फोटो खींच के रखो अपने पास, सो दैट ध्यान में रहेगा दैट ओके। और कभी रिवाइज करना है तो वो फोटो से रिवाइज कर दिया। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। एक्स बार इज इक्वल टू, अच्छा एवरेज रिटर्न किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? पास समेशन एक्स अपॉन एन, और फ्यूचर रिटर्न क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न। बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू प्रॉबिलिटी। समझ में आ गया? डन, तीन फॉर्मूला डन। नेक्स्ट, अब आ रहे हैं अपन लोग नेक्स्ट फॉर्मूलास के ऊपर। आओ आओ, वरायंस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, स्टैंडर्ड डिविएशन समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन का रूट। और अगर फ्यूचर का हुआ तो वरायंस समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी पूरे का रूट। डन। नेक्स्ट, बस अब अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न, वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी, बराबर। पोर्टफोलियो का रिस्क, ये तो अपना फेवरेट फॉर्मूला बन गया है अभी। बोलो क्या? वेट ए स्क्वेयर प्लस वेट बी स्क्वेयर टू कोवरियंस ए बी इंटू वेट ए इंटू वेट बी पूरे का रूट। कोवरियंस ए बी, ए का वरायंस बी का वरायंस, दोनों को करना है तो ज्वाइन कर देंगे, हो गया। कोवरायंस ए बी आ गया। फिर क्या देता है ये? डायरेक्शन। एग्जैक्ट कौन देता है? कोरिलेशन, कोएफिशिएंट। वो कैसे होता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट को लिखते हैं आर इज इक्वल टू कोवरायंस ए बी। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू कोवरायंस ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ए स्टैंडर्ड डिविएशन बी। समझे कि नहीं? ऑल द फॉर्मूलाज, जितना भी आज फॉर्मूलाज किया सबका सब आ गया एक। अच्छा इसमें लास्ट एक चीज तो बता ही दो यार, आर इज इक्वल टू वन को क्या बोलते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जब नया नया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हो, आर इज इक्वल टू माइनस वन किसको बोलते हैं? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। कुछ सालों बाद की हालत, आर इज इक्वल टू जीरो मतलब जीरो कोरिलेशन।
फॉर्मूला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यू गाइज आर अ चैंपियन यार, मजा आ गया। मतलब क्या स्मार्ट लोग हो तुम लोग, क्या सही ग्रैस्प किया है। एंड विद दिस आई कैन से टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, डन एंड डस्टेड। बस इतना रिवाइज करके आना, मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। कैसा लगा आपको सेशन, डू लेट मी नो। बाय, थैंक यू सो मच।